गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रदुमन की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बताया कि प्रदुमन की हत्या स्कूल के ही एक छात्र ने की है। सीबीआई के मुताबिक आरोपी छात्र ने स्कूल की परीक्षा और पेरेंट्स टीचर मीटिंग टालने के लिए प्रदुमन की हत्या की। आरोपी छात्र 11वीं क्लास में पढ़ता है। सीबीआई ने इसे कल रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने बताया कि आरोपी छात्र सोहना का रहने वाला है। जांच एजेंसी ने कल रात इसे सोहना के डिफेंस कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने प्रदुमन की हत्या के मामले में गिरफ्तार छात्र को किंग्सवे कैंप में रखा है। अब उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई के मुताबिक पहले दिन से ही उसे शक हुआ था, जब इस छात्र ने बयान में बहुत विरोधाभास दिखा। इसने ही प्रदुमन को सबसे पहले देखा था और मामले की सूचना दी थी। प्रदुमन की हत्या के आरोप में सीबीआई ने 11वीं के जिस छात्र को गिरफ्तार किया है वो हरियाणा के सोहना का रहने वाला है। सीबीआई ने उसे सोहना से ही पकड़ा है। सीबीआई ने पकड़े गए आरोपी अशोक को अभी क्लीन चिट नहीं दी है, वो अभी भी जांच में शामिल है। उसे गुड़गांव की अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल सीबीआई ने हरियाणा पुलिस की थ्योरी पर भी चुप्पी साध ली है। सीबीआई आरोपी छात्र को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। सीबीआई सूत्रों की माने तो आरोपी छात्र ने अपने सहयोगी से कहा था कि वो परीक्षा की तैयारी न करे, वो कुछ ऐसा करेगा जिससे परीक्षा और पेरेंट्स टीचर मीटिंग टल जाएगी। छात्रों से पूछताछ में ये बयान जब सामने आया तो पुलिस